मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक्स। 11 मामलों में फरार चैन स्नेचर को चितलसर पुलिस ने थाने से गिरफ्तार किया है। 10,14,000 का मुद्देमाल इसके पास से जब्त किया गया है। करीब 20 से 25 सीसीटीवी फुटेज थाने से घोड़बंदर रोड तक खंगाले गए, तब जाकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पाया। आपको बता दें कि चितलसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में चैन स्नेचिंग का मामला दर्ज हुआ था और थाने पुलिस उपायुक्त जोन 5 के डीसीपी अमर सिंह यादव ने बताया कि चितलसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के हद में चैन स्नेचिंग के मुख्य आरोपी आशीष कल्याण सिंह 11 मामलों में फरार चल रहा था। उसे थाने कोरस टावर के पास सावरकर नगर इलाके से गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी अमर सिंह यादव ने बताया कि चितलसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने थाने से लेकर घोड़बंदर रोड तक तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और गोपनीय आधार पर जानकारी मिल रही थी कि आरोपी अपने लोकेशन लगातार बदल रहा था, मगर आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी मिल गई। गिरफ्तार हुए आरोपी आशीष कल्याण सिंह के पास से चैन स्नेचिंग किए हुए 122 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 8,54,000 है। इसके अलावा चैन स्नेचिंग के दौरान जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है, जिसकी कुल कीमत 10,14,000 रुपये मुद्देमाल चितलसर मानपाड़ा पुलिस स्टेशन द्वारा जब्त किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी अमर सिंह जाधव ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। आरोपी का बैकग्राउंड है, कितने लाखों का मुद्देमाल चितलसर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता कलम 392 के तहत गुना दाखिल था। उसमें चितलसर पुलिस स्टेशन के पीएसआई सांगे और उनकी टीम ने दो आरोपी अरेस्ट किए, एक आशीष सिंह और दूसरे अमित सिंह। ये ओरिजिनल रहने वाले उत्तर प्रदेश आगरा के हैं। उसमें ये ऑफेंस में जो डिटेक्शन हुआ है उसमें अभी तक 11 ऑफेंस और थाने पुलिस आयुक्त और मुंबई का गोरेगांव का एक ऑफेंस उसमें डिटेक्ट हुआ है। उसमें हमें अभी तक 10,14,000 की उसमें रिकवरी की। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या करते थे, यहाँ पे किसने आकर? आरोपी ओरिजिनल रहने वाले उत्तर प्रदेश आगरा के हैं, जहाँ पे उनके रिलेटिव सावरकर नगर जो एरिया है उसमें उनके रिलेटिव रहते। रिलेटिव के पास 2-3 महीने के लिए आते थे और यहाँ पे ऐसे चेन स्नैचिंग रॉबरी के गुने करते थे। उसका पता अभी छोड़ा जो भी कोई संशय आरोप है उनका अगर कुछ मालूम नहीं तो नजदीक का पुलिस स्टेशन उनको इन्फॉर्म करना जरूरी है। आज तक कस्टडी